मैं विनोद चौधरी, वीकेसी मैथ सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपन एक्सरसाइज सेकंड का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज सेकंड का करेंगे 2.2। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज। अब आगे क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टर मेथड। आपको यहाँ प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे आपने अभी प्राइम फैक्टर किए थे, सेम उसी तरह से वहां तो आपने दो संख्याओं के किए थे, यहां पर आपको तीन संख्याओं का निकालना है। तो सेम वो का वो मेथड रहेगा। तो आपको यहां पर फैक्टर आप अगर अभाज्य गुणनखंड ऐसे कॉलम ला करके करते हैं तो वैसे कर दीजिए, अदरवाइज ये छोटी संख्या है तो आप इसका डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इनका जैसे डायरेक्ट लिखूंगा, तो पहला है क्वेश्चन 12, 15 और 21 का आपको फाइंड आउट करना है। तो 12 के क्या फैक्टर हो गए हैं, 12 के फैक्टर होंगे, देखो ये 2 से डिवाइड होगा, फिर 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 3 आएगा। तो ये 2 की पावर इसके अंदर कितनी हो गई, ये 2 क्या, और 4 इंटू 3 कितना होता है, 12 होता है। तो ये इस 12 के फैक्टर आ गए। उसके बाद में 15 के करोगे आप तो 15 के क्या फैक्टर होंगे, 15 है वो 3 से डिविजिबल होगा। उसके बाद में आंसर आएगा अपने पास 5, फिर 5 है वो 5 से डिविजिबल होगा, तो 3 इंटू 5 यानी 15 हो गया। और उसके बाद 21 है, उसके क्या फैक्टर होंगे कि ये 3 से डिविजिबल होगा तो 7 आएगा, और 7 है वो 7 से डिविजिबल होता है। तो ये इनके फैक्टर हो गए हैं। तो इनके बिल्कुल छोटी संख्याएं हैं तो इनको आप डायरेक्टली फैक्टर कर सकते हो। तो इनके आप एलसीएम और एचसीएफ सेम उसी पैटर्न से फाइंड आउट करोगे। तो एचसीएफ जो है वो फाइंड आउट करेंगे, तो एचसीएफ में इन तीनों के अंदर आपको कॉमन देखना है। तो इन तीनों के अंदर 2 तीनों में नहीं है और 3 है तीनों में ओनली, न 5 और न 7 है। तो ओनली इसके अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो कौन सा है, 3 है। और 3 की जो मिनिमम पावर है, मिनिमम पावर कितनी है 3 की, 1 है, क्योंकि इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 पावर है। तो 3 की पावर 1 यानी इसका आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। और एलसीएम के अंदर जो भी फैक्टर आए हैं वो सारे लिए जाएंगे। तो फैक्टर में कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 और 7 है। तो ये सारे आप फैक्टर लोगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और इनकी पावर है वो हाईएस्ट और इनकी जो पावर है वो हाईएस्ट पावर ली जाएगी। तो हाईएस्ट पावर के अंदर 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, और 5 की 1 है, और 7 की भी 1 है। तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 420। तो ये इसका एलसीएम हो गया है। तो आपको इस क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो इसका मैसेप हो गया 3 और लेसेप हो गया 420। तो ये तीसरे का पहला क्वेश्चन है। अब अपन क्वेश्चन करते हैं तीसरे का सेकंड पार्ट। तो 24, 15 और 36 का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 24 के आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, तो 24 के अंदर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, फिर अगेन 2 से डिवाइड होगा तो 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होने पर 3 आएगा, यानी 2 की पावर कितनी हो गई है, 3 हो गई है, और 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 1, 2 की पावर 3, 8, 8 इंटू 3 कितना हो गया, 24। उसके बाद में आगे 15 है, तो 15 पहले वाले क्वेश्चन में भी था, वो सेम हो गया। तो ये 3 इंटू 5, दोनों की पावर 1 ही है। उसके बाद में 36 है, तो 36 है वो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करने पर अपने पास 18 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा 3 आएगा, और फिर 3 से डिवाइड होने पर 3 आएगा। तो ये 2 की पावर है, 2 की पावर 2 और 3 की पावर भी 2 हो गया। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, और 3 की पावर 3 होता है, 3 की पावर 2 होता है वो 9, 9 इंटू 4 कितना होता है, 36। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे, तो एचसीएफ के अंदर तीनों में कॉमन देखना है। तो कॉमन कौन सा है, 2 है वो तीनों में नहीं है, 2 में है, 3 इन तीनों में है, तो 5 इन तीनों में नहीं है। तो एचसीएफ में ओनली 3 आएगा, और 3 की जो मिनिमम पावर है वो इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो मिनिमम पावर कितनी है, 1। तो 3 की पावर 1 कितना होता है, 3। तो ये इसका एचसीएफ आ गया। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम के अंदर जो तीनों में है वो लेना जरूरी नहीं है, तीनों के अंदर किसी भी एक में है वो आप ले सकते हो। तो सारे फैक्टर आप लोगे तो 2, 3, 5, ये तीन हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इनकी जो पावर है वो हाईएस्ट पावर लोगे आप, तो 2 की पावर कितनी, हाईएस्ट 3 है, 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 2 है इसमें, और 5 की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है,
वन है, तो इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो टू की पावर थ्री होता है एट, और थ्री की पावर जो टू होता है वो नाइन, और इनटू में फाइव, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर आंसर 360। तो ये इसका एलसीएम हो गया 360 और एचसीएफ हो गया 3। तो इस तरह का क्वेश्चन है वो दो नंबर में पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें तीन संख्याएं दी गई है, बोर्ड एग्जाम में आया हो अभी पीछे इस तरह का। अब अपन इसका करते हैं थर्ड पार्ट, तो 17 के फैक्टर करेंगे, तो 17 है वो खुद प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर 17 का क्या होगा, 1 × 17 ही होगा, क्योंकि प्राइम नंबर है वो खुद से डिविजिबल होता है। 23 भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इसका भी क्या होगा, 1 × 23 होगा, और 29 है ये भी प्राइम नंबर है, तो इसका भी 1 × 29। अब इसके अपन एचसीएफ की बात करें तो आपको ध्यान होगा कि अगर प्राइम नंबर का आप एचसीएफ निकालोगे तो प्राइम नंबर ओनली वन से डिविजिबल होंगे सारे, तो इनका एचसीएफ कितना हो गया, 1। और इनकी एलसीएम की बात करें तो एलसीएम के अंदर तीनों में 17, 23 और 29 ये तीनों ही मल्टीप्लाई में होंगे, तो 17 × 23 × 29। प्राइम नंबर आपके पास दो है या तीन है जिनका आप एलसीएम निकालना हो तो आप उनका गुणनफल कर दीजिए, वही उसका एलसीएम होगा। तो इन तीनों का गुणा करने पर आपको आंसर मिलेगा 11,339। तो ये इसका एलसीएम हो गया, एचसीएफ तो एक और एलसीएम हो गया 11,339। अब आगे इसका चौथा क्वेश्चन, 6, 72 और 120 के आपको प्राइम फैक्टर करके इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 6 का जो आप गुणनखंड करोगे तो ये आ जाएगा 2 × 3, 2 × 3, दोनों की इसमें 1 पावर होगी। 72 के जब आप करोगे तो जैसे अभी अपन ने पीछे 36 क्या किया था, तो 36 का डबल ही है, तो 36 का डबल है तो 2 से डिवाइड करोगे तो 36 आएगा, 36 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 18 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, फिर 9 है वो 3 से डिवाइड होगा तो 3 आएगा, और 3 है वो 3 से डिवाइड होने पर 1 आएगा। तो इसमें अपने पास 2 की पावर है वो कितनी आ गई है, 3 आ गई है, और 3 की पावर है वो कितनी है, 2। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। 8 × 9 कितना होता है, 72 होता है। अब 120 का करोगे तो 120 के अंदर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 60 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 30 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 15 आएगा। तो यानी 2 की पावर तो अपने पास कितनी आ गई है, 3 आ गई है, और 15 है वो क्या होगा, 3 × 5 होगा। तो ये इनके फैक्टर हो गए हैं। अब इनका आप एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ के अंदर और एलसीएम, इसमें आपको जैसे अभी पीछे कर रहे हो क्वेश्चन उसी मेथड से आपको ये करना है। तो एचसीएफ में इन तीनों में कॉमन कौन सा है, 2 तीनों के अंदर है, और 3 है वो भी तीनों में है, 5 नहीं है तीनों में, तो 5 आप नहीं लोगे। अब इनकी जो पावर है वो कम पावर वाला अपन इसमें से सिलेक्ट करेंगे, तो 2 की पावर कम से कम कौन सी है, 1 है, और 3 की पावर है इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो 3 की पावर भी क्या हो गई, 1। तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 6 हो गया। तो एचसीएफ आ गया इसका 6। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम के अंदर आप इनमें सारे फैक्टर लोगे, कौन कौन से आए हुए हैं, 2, 3 और 5, तो ये 2 × 3 × 5। और इनकी आप पावर की बात करो तो इसमें हाईएस्ट पावर आप लोगे, तो हाईएस्ट पावर के अंदर 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो कौन सी है, 3 है, और 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो 1, 2 और ये 1 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी हो गई, 2, और 5 की से 1 में ही है, तो ये 5 पावर क्या हो गई, 1 हो गई। 2 × 3 × 3 × 2 और 5 × 1। तो अब यहां पर इनको आप मल्टीप्लाई करते हो तो 2 × 3 कितना होता है, 2 × 3 = 8 होता है, 3 × 2 कितना होता है, 9 होता है, और 5 × 1 यानी 5। इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर मिलेगा आपको, 360 मिलेगा। तो इसका एलसीएम हो गया 360 और एचसीएफ हो गया 6। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 2 का पूछ सकता है। आप इसको वैसे फैक्टर करके भी कर सकते हो, जैसे अपन ने अभी पीछे कॉलम बना करके किए थे फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में, तो मैंने वहां पर आपको 2 क्वेश्चन में करा दिए हैं, तो यहां पर मैंने उसके डायरेक्ट है प्राइम फैक्टर करके लिख दिए है। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपको 40, 36 और
26 के प्राइम फैक्टर करके एलसीएम और एचसीएम निकालना है। तो इसमें आप इस 40 के बाजे गुणनखंड करोगे तो 40 में आप 2 का भाग दोगे 20 आएगा, फिर 2 का भाग दोगे तो 10 आएगा, 10 में 2 का भाग देने पर 5 आएगा। तो इसमें 2 की घात कितनी हो गई, 3 हो गई है, और 5 की घात कितनी हो गई है, 1 हो गई है। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1, ये 8 × 5 कितना होता है, 40 होता है। अब 36 अपने पहले आ चुका है, तो 36 के जो फैक्टर है वो 2 की पावर 2 4 हो गया, और 3 की पावर 2 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 × 4 कितना होता है, 36 होता है। उसके बाद में 126, तो 126 है, उसमें आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करने पर आपको आंसर मिलेगा 63। तो 63 है वो 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 से डिवाइड करने पर 63 को 21 मिलेगा, 21 में भी 3 से, और फिर 7 से डिवाइड होगा, तो 2 की पावर इसमें आ गई 1, 3 की पावर हो गई अपने पास 2, और 7 की पावर कितनी हो गई 1, 2 की पावर 1 2 और 3 की पावर 2 9, 9 × 2 हो गया 18, और 18 का 7 से करेंगे तो 126 होता है। तो ये इनके फैक्टर कर लिए अपन ने। अब इसका एचसीएफ और एलसीएम आप निकालोगे, तो एचसीएफ के अंदर आपको तीनों में कॉमन देखना है, तो तीनों में कॉमन कौन है, 2 है और 3 तीनों में नहीं है, न 5 और न 7 है। तो इसकी पावर मिनिमम पावर कितनी है, 1 ही है इसमें, तो 2 की पावर 1 इसका एचसीएफ हो गया, 2 की पावर 1 कितना होता है 2। अब इसकी बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम में जितने भी फैक्टर आए हैं वो सारे लेंगे, तो कौन कौन से आए फैक्टर के रूप में, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया और 7 आया है। अब इनकी जो हाईएस्ट पावर है, सबसे ज़्यादा घात है, वो लेंगे इसमें। तो सबसे ज़्यादा घात कौन सी है, 2 की घात इसमें 3 है, उसके बाद 3 की कितनी है पावर 2 है, उसके बाद 5 की पावर अधिकतम 1 ही है, और 7 की भी 1 ही घात है। अब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2520। तो इसका क्या हो गया है, एलसीएम हो गया। 2 की घात 3 8 होगा, 8 को 9 से करोगे तो 72 हो गया, 72 को 5 से करोगे तो 360 हो गया, 360 को 700 करोगे तो 2520 इसका क्या आ गया है, एलसीएम आ गया है। अब आगे अपन क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आप 8 के फैक्टर करोगे, तो 8 के फैक्टर क्या होंगे, 8 में ओनली 2 की पावर 3 होता है 8। अब 9 के फैक्टर क्या होंगे, 9 3 की पावर 2 होता है, और 5 ये 25 का करोगे तो ये 5 की पावर 2 होता है। तो ये आपने इसके फैक्टर कर लिए हैं। अब यहां पर आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ इसके अंदर तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, यानी आप चाहो तो इसके अंदर मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हो। तो इन तीनों में जो कॉमन है वो ओनली 1 ही है, तो इन तीनों का एचसीएफ तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इसके अंदर 2, 3 और 5 तीनों ही आए हुए हैं, तो इनके मैक्सिमम पावर लेंगे तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो यानी इन तीनों खुद संख्याओं का मल्टीप्लाई हो गए 8 × 9 × 25। तो इन तीनों का आप गुणा करोगे तो वो इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 8 × 9 72 हो गया, 8 × 25 72 को 25 से गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा इसका 1800। तो 8, 9 और 25 इन तीनों संख्याओं का जो लैसअप है वो कितना आ गया है 1800, और मैसअप कितना आ गया है 1 आ गया। तो ये थे एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाले क्वेश्चन। अब आगे हेडिंग वाले क्वेश्चन अपन करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों से या उनके अभिभावकों से अनुरोध है कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीकेसी मैथ सॉल्यूशन को आप सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको 10वीं 9वीं और 8वीं इन तीनों क्लासों की मैथ है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल कराई जाएगी। अभी जैसे 10वीं की चल रही है, तो ये 2 एक्सरसाइज होने के बाद अपन 9th की लेंगे और साथ साथ में 8th की ले लेंगे।